तो चलिए कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जो कि अगले हफ्ते अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं सबसे पहला स्टॉक है रेनबो चिल्ड्रन सबसे पहले इसको डेली टाइम फ्रेम लगा के आपको दिखाते हैं कि क्या इसमें स्नैरियो बन रहा है देखेंगे ट्वेंटी फिफ्टी दोनों ई एम ए यहाँ पर श्रिंक हो चुके हैं यहाँ पर देखिए एकदम से श्रिंक हो गए अभी तक ट्वेंटी ई एम ए नीचे जा रहा था यहाँ पर देखिए ट्वेंटी ए नीचे जा चुका था और फिफ्टी ईम ए ऊपर था ठीक है यहाँ पर एकदम लग रहा था कि स्टॉक में गिरावट होगी लेकिन मैंने आपको कल भी बताया था और हमेशा बताता रहता हूँ कि जब जब बड़े प्लेयर एक पैनिक सेलिंग कराएंगे जिससे लोगों में मतलब रिटेलर्स में लोगों को सेल करने की होड़ मचे तो वो क्या करेंगे नीचे के लेवल पे बाय करके स्टॉक को ऊपर ले जाएंगे वही चीज़ इसमें देखने को मिली ठीक है यहाँ से पैनिक सेलिंग कराई ट्वेंटी फिफ्टी ई के नीचे चला गया स्टॉक यहाँ पर जाने के बाद स्टॉक फिर से वापस परफॉर्म किया क्योंकि यहाँ पर बड़े प्लेयर्स बेसिकली जो हैं वो डरा चुके थे और रिटेलर्स को निकाल चुके थे तो यहाँ पे अगर हम टारगेट की बात करें यहाँ से और स्टॉक कितना जा सकता है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस यहाँ पे कौन सा है ऑलमोस्ट 1180 के आसपास स्टॉक का रेजिस्टेंस और 1180 के आसपास स्टॉक गया भी था ठीक है ग्यारह के आसपास आई थिंक गया था अगर आप इसका वन वन आवर में टाइम फ्रेम देखेंगे ठीक है तो यहाँ पर आपको दिख रहा है फर्स्ट जो फर्स्ट आर था जो स्टॉक है उसका फर्स्ट आर था वो काफ़ी अच्छा था उसके बाद क्या हुआ लगातार सेलिंग देखने को मिल गई तो मेरे हिसाब से इसमें अगर आपको एंट्री करनी है तो आपको ऑलमोस्ट इस लेवल का वेट करना पड़ेगा मैं आपको रेंज बता देता हूँ उस रेंज का वेट करना पड़ेगा वो रेंज आते ही स्टॉक जैसे उस रेंज को टच करता है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है ठीक है अगर आप देखेंगे करीब करीब ये एक रेंज रहने वाली है एक हजार से लेकर के एक ठीक है तो अगर हम बेसिकली बात करें यहाँ पर हम एंटर कब कर सकते हैं तो जब ये स्टॉक एक के आसपास आ जाए तो हम लोग एंटर कर सकते हैं और एक बासठ के नीचे यानी कि ऑलमोस्ट एक हज़ार साठ या फिर एक हज़ार उनसठ के आसपास हम लोग का एस एल रहेगा ठीक है और वहाँ से हम लोग वन रेशो टू आराम से प्लान कर सकते हैं ठीक है ये यहाँ तक तो आराम से वन रेशो टू मिल जाएगा क्योंकि हम उतना चाहते ही नहीं कि यहाँ से ब्रेक करें स्टॉक ब्रेकआउट दे ब्रेकआउट दे दे तो अच्छी बात है लेकिन अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं यहाँ एस रखते हैं तो वन रीशो टू तो आराम से यहाँ पे ही बन जाएगा तो इसमें भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रही है स्टॉक ट्रेंडिंग में है फार्मा सेक्टर का स्टॉक है अच्छा कर सकता है ओके नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे तो नेक्स्ट स्टॉक का नाम है कोपरान नाम इसमें देखिए मैंने एक जोन बना के रखा है सबसे पहले जो, जो जोन है ऊपर का 320 से लेकर 325 का एक जोन है जिसमें सेलिंग स्टॉक दिखा सकता है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे सेलिंग हुई थी तो कहीं कही ना कहीं स्टॉक यहाँ पे फिर से पहुँच के सेलिंग दिखा सकता है तो 320 के पहले ही अगर हम टारगेट ले लें 320 के पहले ही हम लोग टारगेट बुक कर लें प्रॉफिट बुक कर लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा इसका मतलब क्या है कि हमें ये चीज़ नहीं देखनी कि स्टॉक यहाँ से डायरेक्टली ब्रेकआउट दे रहे तब हम लोग फ़ायदा करेंगे हम लोग ब्रेकआउट के पहले ही स्टॉक को कैप्चर कर सकते हैं आज के दिन देखेंगे तो कह सकते हैं 52 वीक्स के हाई पे हाई के आसपास था आ, अगर मैं रहूँ हाँ बिल्कुल 52 वीक्स के हाई पे नहीं था सॉरी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कह सकते हैं छः महीने के हाई पे स्टॉक था और ये जो रजिस्टेंस है इसको भी इसने ब्रेक कर दिया था ढाई का रजिस्टेंस स्टॉक ने ब्रेक कर दिया था और दो के आसपास गया था ठीक है अब वन आवर का टाइम फ्रेम देखिए दिखे, आपको दिखेगा कि एक रजिस्टेंस जोन है एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ पिछला दिखाता हूँ रेजिस्टेंस तब आपको पता चलेगा उसके लिए मुझे डेली टाइम फ्रेम फिर से करना पड़ेगा अब देखिए ये आपको दिख रहा है एक रेजिस्टेंस जोन ठीक है क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक पुल बैक देने के बाद काफ़ी तेज़ी से स्टॉक में सेलिंग हुई है सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें कैसे मार करना है हम लोग को यही नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूँ जहाँ पर बहुत तेज़ी से सेलिंग हो जाए जैसे यहाँ से स्टॉक धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत तेज़ी से सेलिंग हो गई तो ये आपका बन जाएगा अब रजिस्टेंस अब सपोर्ट का इसका वाइस वर्षा है स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे जा रहा था एक, एक तरफा वहाँ पर बाइंग हो गई तो वो हम लोग का बन जाएगा सपोर्ट लेकिन हम लोग को क्या हम लोग क्या देखते हैं कि ऐसे ऐसे जा रहे हैं ठीक है तो लोग कहते हैं ये सपोर्ट हो गया ये सपोर्ट नहीं है वो ब्रेक करके तुरंत नीचे आ जाएगा ठीक है वो सपोर्ट नहीं होता सपोर्ट वही अच्छा होता है जहाँ से बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्स आता है बाइंग का और रजिस्टेंस वो होता है जहाँ पे तेज़ी से रिस्पॉस आता है सेलिंग का तो यहाँ से देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये जो लेवल है दो सौ छियासी यहाँ से काफ़ी तेज सेलिंग हुई थी तो इस वजह से हम कह सकते हैं ये एक अच्छा रजिस्टेंस है और इसीलिए आज के दिन इस पर रिजेक्शन भी देखने मिला था ठीक है वन आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो स्टॉक ने फर्स्ट फर्स्ट आवर में अच्छा किया सेकेंड आवर में ऑलमोस्ट कह सकते हैं यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनाया फिर नीचे आ गया ठीक है तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर स्टॉक ने फील किया है ठीक है लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ से ट्रेंड जो है क्लियरली दिख रहा है कि अपसाइड है ठीक है बायर्स जो हैं वो ज़्यादा इसमें एक्यूमलेटेड दिख रहे हैं टेंडेंसी ज़्यादा दिख रही है कि ये लेवल ब्रेक हो जाए ठीक है ये लेवल आराम से ब्रेक हो सकता है लेकिन तीन के ऊपर पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल है तो क्यों ना हम यहाँ पर एंटर करके तीन के आसपास तक टारगेट ले लें तो मेरे हिसाब से मैं अगर हूँ यहाँ पर तो मैं बेसिकली एंट्री यहाँ पे सी पे कर सकता हूँ और जो हमारा एस रहेगा जैसे यहाँ पर अगर एंट्री करते हैं ट्वेंटी ए के नीचे एस रहेगा और यहाँ से वन रिशो टू के आसपास आराम से हम लोग प्लान कर सकते हैं ठीक है वन रीशो ढाई तक आराम से इसमें जा सकते हैं ठीक है इसमें टारगेट तीन सौ चौदह के आसपास होगा और जो एस रहेगा दो सौ सत्तावन के आसपास रहेगा क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से इसमें देख सकते हैं बाकी पोजीशन साइज़ अगर आप निकाल लेंगे तो बेटर रहेगा मैं तो कहूँगा देखिए तरीका मैं आपको बता देता हूँ जितना आपका रिस्क लेने की कैपेसिटी मान लेते हैं कोई 500 का रिस्क लेता है कोई 1000 का लेता है मान लेते हैं आपने इस इस स्टॉक में डिसाइड किया कि मुझे 1000 के रिस्क के साथ जाना है तो आप क्या करिए कि यहाँ से लेकर के आपकी एंट्री और एसएल के बीच में जितना भी पॉइंट बन रहे हैं जितने रुपए का गैप है उसको डिवाइड करिए उसके डिफ्रेंस को डिवाइड करिए हज़ार से जितना आएगा वो क्वांटिटी होगी आपकी एग्जाम्पल मैं आपको बता भी देता हूँ तो समझ में आ जाएगा जैसे अगर आप देखेंगे तो ये सोलह पॉइंट रुपए का एस है तो सिंपल सा एक काम करिए एक हज़ार में डिवाइड करिए सोलह रुपये पचास पैसे जितना वैल्यू निकल के आएगा ठीक है वो आपका क्वांटिटी होगा सिंपल सी बात है उतना क्वांटिटी आप बाय कर सकते हैं यहाँ पे आपका ऐसा रहेगा तो हज़ार का ही लॉस होगा उससे ज़्यादा नहीं होगा हज़ार या फिर एक हज़ार पंद्रह ऐसे लॉस होगा ठीक है ऐसे पोजिशन साइजिंग हम लोग बेसिकली मेनटेन करते हैं अब एक सबसे अच्छा स्टॉक जो कि मुझे लग रहा है बहुत तेज़ी से टारगेट देने के लिए तैयार है वो है रोलेक्स रिंग वन डे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो स्टॉक में हमें स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर बेसिकली टाइम होल्ट किया स्टॉक ने देखेंगे आप तो कह कह सकते हैं कि ये एक अच्छा लेवल था इसके ऊपर स्टॉक क्लोजिंग दे चुका है आज के दिन आज के दिन की जो क्लोजिंग है वो हाईएस्ट है मतलब कि यहाँ से ऑलमोस्ट देखेंगे तो अभी तक की जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो क्लोजिंग है उसमें से हाइएस्ट आज की क्लोजिंग है तो यहाँ से पता चल रहा है स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है और ये जो लेवल है यहाँ से जिसने सेल किया है ठीक है वो खुद यहाँ पे बाय करेगा जिससे क्या हो कि बड़े जो मतलब बड़े प्लेयर जो हैं वो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे वो बाय करेंगे जिससे क्या हो स्टॉक ऊपर जाए ऊपर जाते ही रिटेलर यहाँ पे बाय करेंगे क्योंकि उनको दिखेगा क्या ब्रेकआउट ब्रेकआउट देखते ही जिन्होंने यहाँ पे पहले सेल किया था और जो यहाँ पे बाय कर रहे हैं वो अब सेल कर देंगे और रिटेलर को फंसा देंगे इस तरह से हो सकता है फिर से मैं, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजिंग हो गया हो अब देखिए यहाँ पर ये एक लेवल है यहाँ पर किसी न किसी बड़े प्लेयर ने सेल किया तभी यहाँ पर बड़ी रेड कैंडल बनी है तो अब ये हो सकता है कि इसी लेवल के आसपास स्टॉक को लाया जाए और यहाँ पे ब्रेकआउट कराया जाए ठीक है इस बन जिस बंदे ने यहाँ पे सेल किया वही खुद बाय करेगा और ब्रेकआउट कराएगा फिर उसके बाद क्या लोगों को दिखेगा रिटेलर्स को दिखेगा कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है तो वो यहाँ पर बेसिकली बाय करेंगे बाय करने के बाद क्या होगा आपको पता है ट्रैप कर दिया जाएगा बड़े प्लेयर्स यहाँ पर सेल कर देंगे तो क्यों ना हम यहाँ पर बाय करके यहाँ तक ही सेल कर दें बड़े प्लेयर्स के साथ क्यों नाम चले तो यही हम बेसिकली मेरा प्लानिंग है यहाँ पे स्टॉक जो है अलग तरह से मूव कर सकता है हालांकि स्टॉक में गिरने की टेंडेंसी है लेकिन ऊपर के लेवल पे अभी नहीं तो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको सुनिएगा ये एक लेवल है ठीक है रजिस्टेंस का और इसको आराम से स्टॉक ब्रेक करेगा ठीक है क्योंकि यहाँ पर बड़े प्लेयर्स को क्वान्टिटी स्क्वायर ऑफ करनी ही है तो यहाँ पर अगर मॉर्निंग में एंट्री मिल जाए तो काफ़ी बेस्ट हो सकता है मैं क्या करने वाला हूँ मैं आपको बता दूं मैं इसमें बेसिकली एंट्री करूँगा मॉर्निंग में ठीक है और मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रहेगा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जैसे एंट्री मिलेगी तो आज का जो लो है वो ऐसा रहेगा वन रीशो टू के आसपास टारगेट रहेगा और मेरे हिसाब से ये आस आसानी से अचीव हो सकता है अचीवेबल है आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और एन आपने देखा होगा कल के दिन मैंने वीडियो बनाई थी और अच्छा स्टॉक परफॉर्म भी कर गया काफ़ी बेटर आज के दिन परफॉर्मेंस देखने मिली है लास्ट के दो घंटों में स्टॉक ने ब्रेकआउट भी दिया है ठीक है इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि बहुत सारे स्टॉक हम ऐसे लाते रहेंगे जो ब्रेकआउट देंगे और आपको प्रॉफिट भी दिलाते रहेंगे ठीक है अब इसमें मुझे पहले से लग रहा था कि ब्रेकआउट दे सकता है तो मैंने आपको बताया अब जो स्टॉक मैंने अभी आपको अभी बताया दो तीन मिनट दो तीन मिनट पहले जो स्टॉक बताया उसमें ब्रेकआउट की चांस है लेकिन वहाँ पर ब्रेकआउट फेलियर की भी चांस है तो वो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कैप्चर करिए तो आई होप हर चीज़ आपको समझ में आ गई होगी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर अपडेट हम शेयर करते रहते हैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम ऐप पर जाइए सर्च करिए स्टॉक मार्केट हिल ठीक है बिना स्पेस के सर्च करिए आपको हमारा चैनल टॉप पर दिख जाएगा ज्वाइन कर लीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहाँ पे आते रहते चाहे तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए धन्यवाद बाय